हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि एवरेज क्या होता है, एवरेज ए क्या होता है, एवरेज इफ क्या होता है और एवरेज इफ यस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब ये होता है कि मैं अज्यूम करता हूँ कि जैसे पूरे एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, जिसमें से कि मई और अक्टूबर में कोई सेल्स नहीं है, मई और अक्टूबर में कोई सेल्स नहीं है, लेकिन अगर एवरेज निकाला जाएगा तो इसका एवरेज आप देखेंगे कैसे आएगा, इक्वल AVERA इक्वल एवरेज नंबर ए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे कि जो इसका टोटल एवरेज आया हुआ है 19,981.80 रुपये आया हुआ है। अगर आप सिंपली ऐसे चेक करना चाहें तो आप अपनी वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर 19,981.80 रुपये आया हुआ है। अगर टोटल की बात करेंगे तो एक और अगर यहाँ पर टोटल की बात करेंगे तो 1,99,818 वो आया हुआ है रुपये आया हुआ है। बट यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि एवरेज का मतलब जैसे कंपनी में 10 पूरे कंपनी ने पूरे 12 महीने काम किया हुआ है और लेकिन उसमें से मई और अक्टूबर में कोई काम नहीं किया हुआ है, फिर भी अगर टोटल कंपनी का एवरेज निकाला जाए, एवरेज सेल का निकाला जाए तो 19,981.80 रुपये पर मंथ का एवरेज आया हुआ है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि एवरेज ए, अगर किसी महीने में टेक्स्ट लिखा हो, किसी महीने के अंदर कुछ भी नहीं हो, उसमें जो वैल्यू है वो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट का मतलब या तो ये ट्रू मानेगा या तो फॉल्स मानेगा। ट्रू का मतलब है कि 1, फॉल्स का मतलब है कि 0। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। इक्वल इफ इक्वल एवरेज ए इक्वल एवरेज ए वैल्यू 1 कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो की और ब्रेकेट क्लोज। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर एवरेज आया हुआ है 16,651.50, लेकिन अगर मैं यहां पर अभी टेक्स्ट लिखा हुआ, मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रू। ट्रू का मतलब है कि वन। आप देखेंगे कि जो यहां पर वैल्यू आ गई है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। और अगर मैं इसी को लिख दूं कि फॉल्स का मतलब है कि जीरो, आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो गया है। तो अगर कहीं पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आपके नंबर्स में आपके सेल्स वैल्यू में कहीं पर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो उसको क्या करता है, जीरो काउंट करता है। तो जो एवरेज है, एवरेज टोटल सबका टोटल निकालता है, लेकिन जो एवरेज टेक्स्ट है वो क्या करता है, टेक्स्ट वाले को इग्नोर कर देता है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्या करता है, इग्नोर करता है। अगर ट्रू रहता है तो उसका वैल्यू 1 निकालता है और फॉल्स रहता है तो उसका वैल्यू 0, 0 का मतलब कुछ नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज इफ। हमारे पास जो यहाँ पर 12 लोकेशन से मुझे मुंबई की सेल देखनी है, मुझे क्या देखना है, मुंबई की सेल देखना है। इक्वल एवरेज और एवरेज इफ मैंने टाइप कर दिया। रेंज मैंने यहाँ पर लोकेशन चूज किया कॉमा और इसका क्राइटेरिया है मुंबई, डबल इंटरेट कॉमा को ओपन किया, MUMBAI मैंने मुंबई को लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगा दिया। अब कह रहा है कि एवरेज रेंज को मैंने सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और आप देखेंगे कि जो मुंबई की टोटल एवरेज सेल है वो 18,061 रुपये है। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज इफ, मैं देखता हूं कि अभी जो मेरा डेटा है उसमें से मुंबई में मोबाइल कितने का बिका हुआ है, एवरेजन मोबाइल कितने का बिका हुआ है। तो हम मोबाइल को चेक करते हैं, यहां पर इक्वल एवरेज रेंज सबसे पहले मैं टोटल रेंज कॉमा क्राइटेरिया 1 मुंबई और यहां पर क्राइटेरिया 1 देंगे इसको ब्रैकेट क्लोज MUMBAI मुंबई और फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2
मुझे मोबाइल चाहिए, ब्रैकेट कामा क्लोज डबल एट कामा ओपन एम ओ बी आई एल ई मोबाइल ब्रैकेट क्लोज कामा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें बता रहा है ये कह रहा है कि आपका आंसर गलत है, यहाँ से इसको हटा दे देंगे हम और यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो टोटल जो मुंबई में मोबाइल बिका हुआ है वो कितने का बिका हुआ है, जो उसका एवरेज है 16,701 रुपये का है। यहाँ पर मैं मुंबई के आगे मैं यहाँ पर एक मुंबई और लिख देता हूँ, म्यूजियम मुंबई, और मुंबई के आगे मैंने लिख दिया यहाँ पर जो प्रोजेक्टर लिखा हुआ है उसको भी मैं मोबाइल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो इसका क्या बोलते हैं, जो इसका एवरेज आया हुआ है मुंबई का वो कितना आया हुआ है, 18,618 रुपये। 18,618 क्यों आया, मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, इन दोनों वैल्यू को क्लिक कर देता हूँ, जो इसका टोटल है वो 37,236 है और जो इसका एवरेज है 18,618 रुपीज़ है। तो दोस्तों आज आपने सीखा एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ यस। दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद।